हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव मोहना अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। यहां पर मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इनपुट है कि जैसे मैंने नेट जीआरएफ एग्जाम क्लियर किया है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट से पीएचडी मेरी चल रही है और मैंने आरएएस मेंस एग्जाम 3 बार लिखा है और मुझे साथ में 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। नाउ क्रैक आरपीएससी विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी का गेट प्लस सब्सक्रिप्शन और लाइव तथा रिकॉर्डेड कोर्सेज इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से आप किस तरीके से पढ़ सकते हो। नाउ हाउ टू रजिस्टर फॉर अनअकैडमी, अनअकैडमी के लिए किस तरीके से, किस प्रक्रिया के तहत रजिस्टर हुआ जा सकता है। सबसे पहले आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कीजिए, फिर उसके बाद आपकी स्क्रीन के सामने गेट सब्सक्रिप्शन का बेल आइकन आएगा, फिर लर्न मोर तथा गेट सब्सक्रिप्शन की बेल आइकन में से आप गेट सब्सक्रिप्शन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, फिर आप आरपीएससी सेक्शन में जा सकते हो, यूपीएससी सेक्शन में जा सकते हो, एसएससी सेक्शन में कई सारे सेक्शन है तो आप उसमें से आरपीएससी सेक्शन में जाएंगे तो फिर आरपीएससी सब्सक्रिप्शन दिखाई देगा। उसे प्रेस करने के बाद आपकी स्क्रीन के सामने कुछ फी स्ट्रक्चर दिखाई देंगे जिसमें 1 मंथ का फी स्ट्रक्चर होगा, 3 मंथ्स का होगा, 6 मंथ का होगा, 12 मंथ्स का फीस स्ट्रक्चर होगा और 24 मंथ्स का फीस स्ट्रक्चर होगा। तो मेरी सलाह है आपको कि आप 12 मंथ का आरपीएससी सब्सक्रिप्शन लीजिए जिसकी फीस है 7,000 रुपीज। ठीक है, यदि आप मेरा प्रोमो कोड गौरव एम यूज करती हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और आपकी फीस 7,000 की जगह 6,300 रुपीज रहेगी। ठीक है, यदि आप मेरा 24 मंथ्स यानी 2 साल का आरपीएससी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपकी फीस होगी 8,400 रुपये। वहीं आप मेरा प्रोमो कोड गौरव एम यूज करते हो तो आपकी फीस 10% डिस्काउंट के साथ कितनी हो जाएगी, 7,560 रुपये होगी। तो जल्दी से जल्दी आरपीएससी सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी तैयारी को तीव्र गति दीजिए। एक बार यदि आप आरपीएससी सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो आपको यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होंगी। What you will get on India's largest learning platform, Unacademy. First is my daily live classes. यहाँ पर कई सारी daily live classes होती है जिसमें आप educator के साथ engage हो सकते हो, उससे topic पे discuss कर सकते हो। यदि आपको कोई doubts है तो उसको पूछ सकते हो, ongoing classes में ये सुविधा है। Second है live test and quizzes. Live test और quizzes का किसी भी exam की preparation में बहुत ज़्यादा important role होता है क्योंकि ये आपकी प्रिपरेशन को इवेल्युएट करती है और साथ में यदि आप रेगुलर मोड में टेस्ट और क्विजेस को ज्वाइन करते हो तो ये आपकी परफॉर्मेंस को एक टाइम पीरियड पे एनालिसिस करती है कि आपकी परफॉर्मेंस सही डायरेक्शन में है या फिर गलत डायरेक्शन में। इसी तरीके से थर्ड है स्ट्रक्चर कोर्सेज। स्ट्रक्चर कोर्सेज मीन्स कि जितने भी आरपीएससी एग्जाम कराती है, अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम कराता है या फिर कॉम्पिटिशन के एग्जाम जो राजस्थान में होते हैं उनके कोर्सेज को सिलेबस के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर किया गया है व्यवस्थित तरीके से, जिससे आप बिना समय बर्बाद हुए सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें और उससे आपकी बेस्ट प्रिपरेशन सही समय पर हो सके। फोर्थ है अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस मीन्स कि एक बार यदि आप आरपीएससी सब्सक्रिप्शन ले लेती हो तो आप लाइव तथा रिकॉर्डेड कोर्सेस को अपने कम्फर्ट जोन के अनुसार किसी भी डिवाइस पर देख सकते हो और रिकॉर्डेड कोर्सेस को आप कितनी भी दफा या कितनी भी बार देख सकते हो। तो ये जितनी भी सुविधाएं हैं वो सारी की सारी कहाँ मिलती है, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, किसी और प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है। आप जल्दी से जल्दी आरपीएससी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और भी सब्सक्रिप्शन ले लेते हो और एग्जाम क्लियर कीजिए। धन्यवाद। और अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का जो टॉपिक है वो हमारा पटवारी से रिलेटेड है और पटवारी के जो एग्जाम है अगले महीने होगा तो उससे रिलेटेड अंत समय में हम पटवारी की तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन से पोर्शंस हम उसको फोकस करें और कौन से पोर्शंस को हम छोड़ें, तो उस हिसाब से मैंने कि एक सही रणनीति के तहत हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें। रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है, जो पढ़ा है उसका रिवीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एक सही रणनीति के तहत ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को निकालें जिससे कि हमारी पटवार के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सही हो और हमारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है ना, तो इस पर्पज से हमने
ये वीडियो डाला है कि अगले महीने जो कि पटवारी एग्जाम होने वाला है और उस वजह से मैंने ये वीडियो डाला है। इसमें मैं कुछ सिलेबस के बारे में कौन कौन से जो पॉइंट है जिनको एंड टाइम पर देखना बहुत जरूरी है और क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए एंड के 15 से 20 दिनों के अंदर आपको क्या स्ट्रेटजी रिवीजन को किस तरीके से आप बार बार कर सकते हो और उसमें आपका ज्यादातर सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उस तरीके से मैंने ये वीडियो बनाया। अब हम चलते हैं पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2019 है ये, ठीक है ना, जो कि 2021 में होने वाली है, 2021 के अंदर होने वाली है। इसके अंदर मैं बस केवल उन्हीं बिंदुओं की चर्चा करूंगा जिनको आपको लास्ट टाइम पर टच करना है और जहां से क्वेश्चंस बनने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है ना। और मस्ट है जो आपने पढ़ रखा है उसका साथ ही साथ जल्दी से जल्दी रिविजन करें, लेकिन जो व्यर्थ टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस कम बनते हैं उन पर आप जो व्यर्थ टॉपिक है उनसे आप थोड़ा सा बचें, क्योंकि वो टाइम टेकिंग होते हैं और साथ में जो समय आप क्या कहते हैं उस टॉपिक को जितना देंगे उसकी जगह किसी और अच्छे टॉपिक को देंगे तो आपकी तैयारी और तैयारी का कोई मतलब रहेगा टाइम पर। और यही टाइम होता है एग्जाम क्रैक करने के लिए, सही समय होता है कि आपकी स्ट्रेटजी सही है और रिविजन सही है तो आप आसानी से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ये हमने देखा कि परीक्षा की स्कीम क्या है और पाठ्यक्रम के बारे में आपको पता है, लेकिन एक बार मैं बता देता हूं आपको कि जो ये जो वाला पोर्शन है जिसमें जनरल साइंस भी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, जनरल नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स है, ठीक है ना, तो इसके लगभग वेटेज कितना है, 25% वेटेज है इसका, तो इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन आएंगे, टोटल मार्क्स 76 आएंगे, तो इसमें आप सबसे पहले जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगा सकते हो इंडियन हिस्ट्री के, जिसमें मैंने भी अपनी पटवार सीरीज के अंदर जो एमसीक्यू करा रहा हूं वहां पर डाल रखे हैं, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के, इन तीनों के जितने जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं डेली एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि सुबह उठ के मुझे ये क्वेश्चंस निकालने हैं, 100 क्वेश्चन हिस्ट्री के निकालने हैं, 100 क्वेश्चन पॉलिटी के निकालने हैं, एमसीक्यू ही करने हैं, ठीक है ना। जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे उतना ही आपके माइंड क्लियर होगा और क्लियर होगा तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से डील कर सकोगे। इसी तरीके से 25 में से लगभग 5 से 7 क्वेश्चंस जनरल साइंस के आने की संभावना है, ठीक है ना। जनरल साइंस के क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, यदि कोई आर्ट्स का बच्चा है और उसको साइंस पढ़ने में प्रॉब्लम है तो अंत समय पर इस पोर्शंस को बिल्कुल टच ना करें, क्योंकि यदि अंत समय पर आप जो जो पोर्शन आपने नहीं पढ़ा है उसको टच करते हो तो आपका जो बाकी का जो आपने पढ़ा हुआ है वो सब व्यर्थ हो जाएगा, तो इस वजह से अंत समय पर इसको बिल्कुल भी टच नहीं करें, ठीक है। एक बात तो ये होगी, जनरल साइंस जिनका है सब्जेक्ट, जो साइंस वाले हैं वो आराम से इसको कवर कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक ले लो, जैसे कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर बहुत सारी क्लासेस इसके रिगार्डिंग है तो वहां से आप डेली क्विजेस को ज्वाइन कर सकती हो, और पिछले जो वीडियोस हैं सारे के सारे वीडियो डले हुए हैं तो वहां पर आप जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। उसमें एक एक वीडियो में 40 से 50 क्वेश्चंस होते हैं और बहुत तेजी से उनको सॉल्व करवाया गया होता है, जिससे कि आपके टाइम की भी बचत हो और ज्यादा से ज्यादा आप ज्ञान ग्रहण कर सको। इसी तरीके से मैंने पूरा पोर्शंस लगभग क्लियर कर दिया है, तो ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने की अपेक्षा रिविजन पर ध्यान दें। यदि किसी ने अपने नोट्स बना रखे हैं तो उसको भी प्रीफर कर सकता है। अब करंट अफेयर्स की बात है, ठीक है ना, करंट अफेयर्स के लिए मंथली मैगजीन को बंद कर दें। यदि किसी ने मंथली मैगजीन का बहुत ज्यादा अध्ययन किया है तो उसका वो रिवाइज कर सकता है, लेकिन 6 मंथ की 6 महीने की 6 महीने वाली जो मंथली मैगजीन आती है उसको प्रीफर करें, या फिर 1 साल वाली करंट अफेयर्स के लिए 1 साल वाली जो मैगजीन आती है उसको करंट अफेयर्स के लिए प्रीफर करें, जिससे कि आप इस जो करंट अफेयर्स वाले पोर्शंस को, जैसे मूमल हो गई, मूमल को आप प्रीफर कर सकते हो, बिल्कुल बहुत बेस्ट है, ठीक है ना, मूमल को प्रीफर कर सकते हो, और जो भी किसी ने पढ़ रखा है उसका रिवाइज कर सकते हैं, तो 2 से 3 दिन में इसको खत्म करके और इसका बार बार रिविजन करें। ज्यादा से ज्यादा जो करंट अफेयर्स है 7 से 8 घंटे का होता है, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं होते। यदि आप चाहें तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना सकता हूं मूमल वाले पे,
कि आपको उसमें से क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है ना। तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया लगभग, ठीक है ना। तो इसमें मैंने बता दिया है, जो पोर्शन आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो उसको बिल्कुल छोड़ दें, ठीक है ना। जो पोर्शन आपने कर रखा है उसके ऑब्जेक्ट पे क्वेश्चन लगाना अच्छे तरीके से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ऐप पर भी कर सकते हो, लर्निंग ऐप पर, और कोई भी माध्यम हो, बुक्स भी है, घटना चक्र वगैरह है, और भी बुक्स हैं, वहां से आप लगा सकते हो। लेकिन ये पोर्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये 25% वेटेज रख रहा है, ठीक है। राजस्थान के अभ्यर्थी हैं, सेकंड पोर्शन पे आते हैं। राजस्थान के आप अभ्यर्थी हैं तो आपको पता होगा कि राजस्थान तो आप शुरू से ही पढ़ते हो, ठीक है ना। ज्योग्राफी भी पढ़ते हो, हिस्ट्री भी पढ़ते हो, कल्चर ऑफ पॉलिटी भी पढ़ते हो राजस्थान की। देखो राजस्थान का पोर्शन काफी लेंथी है, लेकिन जिसने बार बार पढ़ रखा है ये इसको आसानी से कवर भी कर सकता है और बहुत जल्दी तरीके से इसके बारे में रिवाइज भी जल्दी जल्दी कर सकता है, इसका भी रिवीजन वो जल्दी जल्दी कर सकता है। तो इसमें ज्यादा समय ना व्यतीत करते हुए, आपने यदि ये पढ़ रखा है तो इसमें ज्यादा समय व्यतीत मत करना। जैसे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, इसके कौन कौन से टॉपिक हैं, किसी भी टेस्ट सीरीज को उठाओ और वो टॉपिकों को निकालना स्टार्ट कर दो। यदि किसी ने आरबीएससी की बुक पढ़ रखी है, राजस्थान सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की बुक पढ़ रखी है, तो उनको भी प्रीफर कर सकते हैं। एक बार उनको देख लेना, जो राजस्थान बोर्ड की बुक है उनमें से ज्योग्राफी वाले चैप्टर कौन कौन से, जैसे भौतिक विभाजन हुआ, ठीक है, नदियां हुई, झीलें हुई, ठीक है, पशुधन हुआ, तो इस तरीके के टॉपिक्स को देख लेना। हिस्ट्री का आपको पता ही है कि बहुत सारे चैप्टर डले हुए हैं, जैसे राजवंश से रिलेटेड, मतलब मेनली जो मेन फीचर्स हैं हिस्ट्री के, जहां जहां से क्वेश्चंस आते हैं हिस्ट्री के अंदर। आप अब टेक्स्ट बुक को पढ़ना बंद कर देना, टेक्स्ट बुक को तो हाथ मत लगाना, आपको बस क्वेश्चंस निकालने हैं हिस्ट्री के। ज्योग्राफी के लिए मैं आपको सलाह दे सकता हूं कि आप राजस्थान बोर्ड की बुक्स को एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि ये छोटा टॉपिक है और जल्दी ही ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 घंटे में कवर हो जाएगा। लेकिन हिस्ट्री के लिए सलाह नहीं दूंगा मैं, इसके लिए आप जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगा सकते हो उतना लगाइए, और इसी तरीके से कल्चर के लिए भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएं, ठीक है। अब जो हमारा तीसरा पोर्शन है राजस्थान वाले में, उसके बारे में चर्चा करता हूं मैं कि पॉलिटी ऑफ राजस्थान, पॉलिटी ऑफ राजस्थान के लिए क्या करें। पॉलिटी ऑफ राजस्थान के काफी कम टॉपिक्स हैं। एक तो देखो इसमें आयोग देख लेना आप, आयोग के जितने भी क्वेश्चंस हैं लर्निंग ऐप पर, जितने भी वीडियोस बने हुए हैं उनको आप चेकआउट कीजिए और वहां से आयोग के प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। और पॉलिटी वाला जो पोर्शन है वो छोटा है, ज्यादा से ज्यादा आप 5 से 6 घंटे में उसको रिवाइज कर सकते हो। यदि किसी बच्चे ने एक या दो बार ही पढ़ा है, वो भी वीडियोस को देख के लर्निंग ऐप पर या फिर प्लेटफॉर्म पर जाके। ये है कि कोई नई चीज मत उतार लेना, कहने का मतलब है कोई नई बुक मत लेके आ जाना, नई बुक मत लेके आ जाना। केवल यदि किसी ने तैयारी ठीक ढंग से नहीं की है तो वो भी केवल एमसीक्यू ही लगाए, एमसीक्यू लगाए, केवल पर केवल एमसीक्यू लगाओ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लगाओ, ठीक है ना। अब मैंने बता दिया है आपको ये वाला पोर्शंस के बारे में बता दिया, और सेकंड जो 20% अप्रोच वेटेज है 20% का, इसके बारे में बता दिया। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है 30 आएंगे इसमें से, ठीक है ना, 60 मार्क्स का होगा टोटल। मैं अगले पोर्शंस की तरफ चलता हूं, ठीक है। अगला पोर्शन है जनरल इंग्लिश तथा हिंदी, ठीक है ना। इसके लगभग 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 15 क्वेश्चंस का मतलब हो गया कि आप 8 से 9 क्वेश्चंस तो हिंदी के मान लो, ठीक है ना, ये 9 क्वेश्चंस हिंदी के मान लो, और करीब 7 क्वेश्चंस आप इंग्लिश के मान सकते हो, ठीक है ना। तो ये पोर्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ही आपकी क्या निर्धारित करेगा, कट ऑफ ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। इसके क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होने चाहिए। इसके लिए मैं आपको सोर्स बता देता हूं। इसके लिए जो सोर्स है, हिंदी के लिए सोर्स बताता हूं, जो 9 से 12 वाली बुक आती है। कौन सी बुक आती है? 9 से 12 वाली बुक आती है हिंदी व्याकरण की, आरबीएससी की, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बुक आती है, तो उसको आप प्रीफर कीजिए, ठीक है। उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं इससे रिलेटेड उनको आप जल्दी से जल्दी कवर कीजिए, ठीक है ना। इससे आप जल्दी से जल्दी रिवाइज, जैसे कि एक वाक्यांश के लिए जो शब्द होता है, संधि हो गए या फिर उपसर्ग हो गए, बहुत ही शॉर्ट तरीके से दे रखे हैं, ठीक है। और साथ में एक एमसीक्यू हिंदी के लिए जो ऑब्जेक्टिव की बुक आती है उसको भी रखिएगा,
जैसे ही आपने एक टॉपिक पढ़ा तो उसके बाद उसको सॉल्व कर लीजिए। लेकिन मेरे को इतना है पता है कि इससे बाहर 99% क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इस वजह से आप अंत समय पर बड़ी किताबों से बचें, जैसे कि बहुत सारी हिंदी की मानक बुक या स्टैंडर्ड बुक आती है उनसे बचें, ठीक है ना। पटवारी के लिए कह रहा हूं मैं बस केवल। अगले क्वेश्चन, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश के लिए यदि किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो उसको बिल्कुल छोड़ दें, ठीक है। जिसने इंग्लिश पढ़ रखी है वो केवल उसका रिवीजन करे, जिस बुक से या जिस नोट से आपने पढ़ रखी है, इंग्लिश के लिए केवल इतना ही करें। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जिसका वेटेज है 30%, इसको आपको लाइटली नहीं लेना है, इसको बहुत गंभीरता से लेना है। और 90 टोटल मार्क्स है, 90 का 300 में से 90 मार्क्स मतलब 30% है पोर्शन। 30% बहुत बड़ा पोर्शन होता है। इसमें आपको कौन कौन सी चीजों पर ध्यान देना है, देखो मेंटल एबिलिटी हुई और रीजनिंग हुई, इस पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, जो रीजनिंग के जो टॉपिक हैं बहुत इजी इजी टॉपिक हैं। आप एक टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा आधे से एक घंटे में कवर कर सकते हो। तो जितने भी टॉपिक सिलेबस के अंदर दे रखे हैं उनको जल्दी से जल्दी कवर करके, या फिर यदि आप कर चुके हो तो उनको किसी भी स्टैंडर्ड बुक से, जैसे आर एस अग्रवाल हो गई, और भी बुक है मार्केट्स के अंदर काफी सारी, ठीक है ना, उनसे आप इसकी डेली प्रैक्टिस कीजिए। इसके लिए आप सुबह ही सुबह आप क्या करें कि सुबह ही सुबह करीब 100 से 120 क्वेश्चंस लगाएं। इसको ये मत देखो कि वीडियो में कौन करा रहा है, इसके लिए वीडियोस मत देखो आप। वीडियोस इन द सेंस कि जो क्या कहते हैं एमसीक्यू करा रहे हैं, सीक्यू करा रहे हैं बहुत सारे, किस जगह बहुत सारी क्लासेस करा रही हैं, तो इसके लिए एमसीक्यू ना देखते हुए आप इसके लिए क्या देखें, बस केवल अपनी प्रैक्टिस करें, सेल्फ प्रैक्टिस करें। एमसीक्यू को ना देखें, केवल सेल्फ प्रैक्टिस करें। इसके लिए सेल्फ प्रैक्टिस में क्या होगा कि आप एग्जाम हॉल के अंदर आपको अपने आप ही क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके लिए किसी भी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है, खुद से करें। केवल एक बार आपको मेथड पता होना चाहिए तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां का, कौन सा, पटवारी एग्जाम का, तो इसको आप ध्यान रखना। अगला जो है बेसिक न्यूमेरेसी है, एफिशिएंसी है। देखो जो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं या फिर उनकी मैथ्स सही है वो तो इसको प्रीफर करें, और जिनने इसको हाथ भी नहीं लगाया है तो वो इसको स्किप कर दें, ठीक है ना, स्किप कर दें जिनको ये नहीं आती, क्योंकि एंड में आप क्या कहते हैं इसको कवर नहीं कर सकती हूँ। अब देखो बेसिक कंप्यूटर वाली बात है तो ये इसके जो क्वेश्चंस हैं करीब 15 क्वेश्चंस आएंगे, और ये यदि आपने कंप्लीट कर रखा है तो जो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कंप्यूटर के बारे में उनको कवर करें। और इसके लिए भी एमसीक्यू की कोई भी क्लास ले रहा हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा प्रीफर करें, और अपने नोट्स जो बना रखे हैं उसका बार बार रिविजन करें। देखिए किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए रिवीजन बहुत मस्ट होता है, अंत समय में रिवीजन बहुत मस्ट होता है। यदि आप बार बार रिवीजन करोगे तो आपका एग्जाम आसानी से निकल जाएगा, लेकिन आपने इस टाइम पर नए टॉपिक्स को छेड़ दिया। नए टॉपिक्स को आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, नए टॉपिक को क्या करना है, इग्नोर करना है, केवल ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। और तीसरी चीज है, एक चीज बता दी मैंने, रिवीजन जो आपने लिख रखा है, नोट्स बना रखे हैं या फिर कोई बुक्स पढ़ रखी है उसमें निशान लगा रखे हैं, उसका रिवीजन कर सकते हैं। दूसरा, नए टॉपिक टॉपिक को नहीं छेड़ना है। और तीसरी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको एमसीक्यू लगाने, ज्यादा से ज्यादा लर्निंग ऐप पे जाइए या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाइए, वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जितना लगा सकते हो आप उतना लगाइए। इससे क्या होगा कि आप हैबिचुअल हो जाएंगे कैसे क्वेश्चंस के इसके, और सही से सही आंसर दे पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हम अगर 1,000 क्वेश्चंस या 2,000 या 5,000 क्वेश्चंस के अराउंड 1 से 2 दिन में लगाते हैं तो हम क्या कहते हैं उस आंसर तक यदि हमको नहीं आता है तब भी हम एलिमिनेशन मेथड या फिर किसी और मेथड से पहुंच सकते हैं, या फिर गेस लगाना हम सीख जाते हैं। तो तीन चीजों को याद रखना है आपको, रिवीजन, नए टॉपिक को नहीं छेड़ना है, और क्या कहते हैं एमसीक्यू जितना लगा सकते हो उतना लगाइए, ठीक है ना। अब ये मैंने बता दिया आपको कि किस तरीके से अंत समय पर इसकी तैयारी करने का औचित्य, ठीक है। और
इसी तरीके से आपको पता है कि इसमें 1/3 मार्किंग है, जो नेगेटिव मार्किंग है 1/3 है। तो ये ध्यान रखने ना, यदि आपको पता है, आप श्योर हो कि यही आंसर है इसका, तभी उसका आंसर टिक करना, वरना मत करना। नहीं तो क्या हो जाएगी आपसे, बहुत सारी गलतियां हो जाएंगी, और आप यदि एक में तुक्का लगाते हो तो आपको आदत लगती जाएगी, और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस में तुक्का लगाओगे। जब तक श्योर ना हो तब तक उसको तुक्का मत लगाइए, ज्यादा से ज्यादा पहुंचने की कोशिश कीजिए, और लॉजिक के साथ तुक्के को भी लगाइए। ऐसा नहीं है कि बिना लॉजिक के तुक्के को लगा रहे, लॉजिक के साथ लगाइए, अपनी नॉलेज के आधार पर लगाइएगा। ये नहीं है कि विदाउट बेस, कोई भी बेस नहीं है और आप क्या लगा रहे हैं, गैस लगा रहे हैं, तो ऐसा मत करना, नहीं तो आपके नेगेटिव मार्किंग के कारण आपका सिलेक्शन रुक सकता है। ये मैंने बताई दिया कि जनरल साइंस जिसने पढ़ा है नहीं है, तो इसमें भी आप जैसे कि मानव शरीर है, ये RBSC की बुक में इसको, इस चैप्टर्स को देख सकते हो, आहार एवं पोषण है, स्वास्थ्य देखभाल है, ठीक है ना। ये तीनों चैप्टर जो 10th की RBSC की बुक है, RBSC की 10th क्लास की बुक में दे रखे हैं, जिसने पढ़ रखे हैं वो ही इसका रिविजन करना, वरना कोई भी इसका रिविजन मत करना, ठीक है। प्राचीन मध्यकालीन भारत के लिए केवल MCQ लगाएं, ठीक है। भारतीय संविधान के लिए मैंने बता दी MCQ लगाएं, इसी तरीके से इसके लिए भी MCQ लगाएं, और इसके लिए मूमल पढ़ें, ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। इसी तरीके से मैंने ज्योग्राफी का, राजस्थान की ज्योग्राफी, इंडिया पॉलिटी ऑफ राजस्थान के बारे में आपको बता दिया है। MCQ ज्यादा से ज्यादा लगाएं, और हिस्ट्री को बिल्कुल नहीं छेड़ें, हिस्ट्री के केवल MCQ लगाएं, लगती ज्योग्राफी और किसके, ज्योग्राफी और पॉलिटी ऑफ राजस्थान के, उसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। यदि आपने किसी बुक से पढ़ रखा, नहीं तो RBSC की बुक ले लेना, ठीक है, उसमें काफी शॉर्ट में और क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। इस तरीके से आप अपने, और ये है हिंदी के लिए, हिंदी व्याकरण ये बुक है, देखो हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, यहां से आप हिंदी को कवर करना, जितना भी पूछ सकते है ना, वहां से देखो पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, इनको यदि किसी ने बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, पर्यायवाची शब्द तो इनको छोड़ देना, ठीक है। शब्द शुद्धि वाला बहुत ही इजी है, इसको कर सकते हो आप। वाक्य शुद्धि वाला इजी है, इसको 2 से 3 घंटे में निकाल सकते हो। वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, इसको भी निकाल सकते हो। और पारिभाषिक शब्दावली जो मेन मेन शब्द है उसको भी आप निकाल सकते हो। यदि आप चाहते हो कि हिंदी के ऊपर पूरे एक वीडियो डालूं, या फिर लाइव क्लासेस में पूरे टॉपिक कराऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, ठीक है। संधि एवं संधि विच्छेद जो भी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको बता सकता हूँ, यदि आप चाहें तो। इस तरीके से आप सारे टॉपिक्स कवर नहीं करने हैं, जिस टॉपिक्स में आपको कंफ्यूजन हो उसको पहले कवर कीजिए, और साथ के साथ रिवीजन करते रहिए, ठीक है। इस ये बुक है, रामबाण है इसके लिए, जो पिछली बार भी यहीं से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, हिंदी व्याकरण नियम रचना प्रबोध। और देखो एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको, कि कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज आ सकता है, ठीक है ना, जनरल इंग्लिश के अंदर। तो इसकी ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 जो पैसेज होते हैं, पैसेज के क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, उसके आंसर देने होते हैं, इसमें आपका लॉजिक काम करता है। लॉजिक इन द सेंस, आप ज्यादा से ज्यादा उस टाइम पे देखें कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है उसमें से। 2 से 3 बार नॉर्मल तरीके से पढ़े, नॉर्मल तरीके से आपको अनसीन पैसेज पढ़ना है, इसमें आपको अपने दिमाग पर जोर नहीं लगाना है, जो कुछ आ रहा है, एक बार नहीं आया, दूसरी बार नहीं आया, तीसरी बार, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड आउट पहले करना, जो 3-4 क्वेश्चन दे रखे हो अनसीन पैसेज के, उसको रीड आउट करने के बाद ही पैसेज को पढ़ें, जिससे कि आप उसकी जो पूरी समरी है आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगी, ठीक है ना। अब ये जिसने पढ़ रखे हैं नीचे वाले टॉपिक, तो उसका रिवाइज कर ले, वरना उनको छोड़ दें, ठीक है। इसी तरीके से आपको मैंने बताई दिया रीजनिंग के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा रीजनिंग का, आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए, इसके लिए आप सेल्फ प्रैक्टिस करें, ना कि कोई भी वीडियो देखें एंड समय में, इसके लिए वीडियो देखना हानिकारक हो सकता है, उसमें आपका ज्यादा टाइम जाएगा, तो सेल्फ प्रैक्टिस करें केवल इसके लिए, ठीक है ना। जितना हो सकते हैं क्वेश्चंस निकालिए, जो बुक आपने पहले से प्रिपेयर कर रखी है, ठीक है, RS अग्रवाल जो भी कोई भी बुक पढ़ता हो उसको आप कीजिए, ठीक है ना। अब ये कंप्यूटर वाली बात थी, इस वजह से पता होना चाहिए आपको रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है।
रोम क्या होती है, फाइल सिस्टम इनपुट डिवाइस, या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। यदि किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो इस पर भी मैं एक सीरीज चला सकता हूँ। यदि आप कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा बच्चे बोलेंगे कि बेसिक कंप्यूटर पर आप एक 100 क्वेश्चंस की श्रृंखला जो कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हो तो वो भी चला सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये आपको जो शब्द दे रखे हैं इसमें मेन मेन, उनके बारे में तो पता ही होना चाहिए। अगर कोई बुक्स में पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो वो नेट से भी इसकी सामग्री ले सकता है, या फिर देख सकता है कि रैम क्या होती है, गूगल पे रोम क्या होती है, इतना तो कर ही सकते हैं ना, ठीक है। और इसको भी जैसे पावर पॉइंट क्या होता है, कौन कौन सी चीजें होती हैं, व्यवहारिक तरीके से इसको सॉल्व करें। जैसे कि आप कोई भी डेस्कटॉप या कंप्यूटर या लैपटॉप चलाते हैं उस हिसाब से आप इसको सोचें, ना कि थ्योरी में ज्यादा नहीं जाए, ठीक है। तो उससे भी आप, किसी ने कुछ नहीं पढ़ा तो कुछ ना कुछ तो सही होगा उसका, ठीक है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। पटवारी का एग्जाम अच्छे तरीके से बार बार रिवाइज करें जिससे आप इस जो महासंग्राम है इसको पार कर सकें। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम ऑन इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑन अनअकैडमी। यदि क्वेश्चंस हो तो पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, और मेरा प्रोमो कोड है गौरव एम, इसको यूज कीजिए और 10% डिस्काउंट पाइए। और मेरा जो अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बेल आइकन दबाइए जिससे आपके पास समय समय पर क्या मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद।